अखिलेश सरकार में महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाएं तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन एक घटना जिसने मानवता को कर दिया था शर्मसार। ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कैसे समाजवादी गुंडे एक महिला की सरेराह पिटाई कर रही है और जनता मूक दर्शक बनी हुई है। ये वीडियो सपा सरकार के मुंह पर तमाचा है, जिसके शासनकाल में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो गई थी। ये मैं नहीं, NCRB के आंकड़े बोल रहे हैं। दिन था 20 दिसंबर 2016 का, जब समाजवादी गुंडों ने अपनी गुंडई दिखाते हुए एक महिला से सरेराह छेड़छाड़ की तथा उसके पिता द्वारा विरोध करने पर उन दोनों की पिटाई कर दी। और ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले सैफई से मात्र 20 किलोमीटर दूर मैनपुरी की है। ये घटना केवल एक उदाहरण है अखिलेश सरकार में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार का। ये घटना अखिलेश सरकार में महिलाओं के प्रति सम्मान का एक जीता जागता सबूत है। जब अपराधियों के हौसले अपने चरम पर थे, क्योंकि उन्हें पता था समाजवादी सरकार उन्हें बचाने के लिए हमेशा तैयार बैठी थी, तभी तो अखिलेश सरकार में महिलाओं के प्रति अत्याचार अपने चरम पर था। यूं ही इस सरकार को अपराधियों की सरकार नहीं कहा जाता था, इसीलिए तो जनता ने इस अपराधी सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। और अब आने वाले चुनाव में भी जनता इन सपाई गुंडों का मुंह काला करेगी और फिर से राष्ट्रवादी सरकार को ही चुनेगी, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा में अग्रणी है आपकी राष्ट्रवादी सरकार।